हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने अपने चैनल पर जो है फिग्मा की काफ़ी सारी वीडियोस ऐड की थी, ठीक है। और अगर आपने वीडियोस में लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप जाके चेक कर सकते हैं वीडियोस, ठीक है। और है क्या आज की वीडियो हम देखने क्या वाले हैं, हम देखने वाले फिग्मा में हम इमेजेस को कैसे इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको 3 मेथड्स आज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम फिग्मा स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, figma.com मैंने यहाँ से ओपन किया और यहाँ से न्यू पर क्लिक करने के बाद डिज़ाइन फाइल पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद हम पहले तो इसका टाइटल कुछ चेंज कर लेते हैं, यहाँ से इमेजेस इंपोर्ट, ठीक है। फिर सबसे पहले हम यहाँ से एक फ्रेम चूज़ कर लेते हैं। फ्रेम मैं यहाँ पर एक डेस्कटॉप के लिए ले लेता हूँ। आपको जिस भी स्क्रीन के लिए आपको डिज़ाइन करना है आप वाला फ्रेम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जस्ट मैंने डेस्कटॉप के लिए एक फ्रेम यहाँ पर लिया और इस पे जाने के फ्रेम लेने के बाद आपको जस्ट इमेज अगर इंपोर्ट करनी है, फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, शेप में जाने के बाद प्लेस इमेज पर आपको क्लिक करना है और आप कोई भी इमेज चूज़ कर सकते हैं किसी भी ड्राइव में या कहीं भी जाकर, ठीक है। तो जस्ट मैंने ये इमेज चूज़ की। अब ये पूछ रहा है आपको कहाँ पर ड्रॉप करनी है। अगर आपको फ्रेम के अंदर ड्रॉप करनी है तो फ्रेम के अंदर ड्रॉप कर लीजिएगा। अगर आपको बाहर ड्रॉप करनी है आप बाहर भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने फ्रेम के यहाँ पर अंदर इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब आप इमेज को, ये इमेज को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये आपको दिख रही है इमेज, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ आप इसको स्केल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप स्केल कर लीजिए जितनी आपको चाहिए शिफ्ट के साथ, ठीक है। शिफ्ट के साथ आप स्केल करेंगे तो चारों तरफ से जो ट्रांसफॉर्म है वो इक्वल होगा, ठीक है। नहीं तो आप एक साइड से करेंगे तो ऐसे छोटी बड़ी हो जाएगी है, ठीक है। तो आप हमेशा शिफ्ट के साथ स्केल कीजिए अगर आपको चारों तरफ से बराबर स्केल करना है उसको, ठीक है। तो एक तो मेथड ये हो गया, सिंगल इमेज हमने इंपोर्ट करनी है हमने सीख ली है। अगर आपको मल्टीपल करनी है, सपोज यहाँ पर मैंने कुछ सर्किल ड्रॉ किया है, कंट्रोल डी से इसकी कॉपी करी मैंने, अब मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, ठीक है, और सारी शेप्स को सेलेक्ट करने के बाद जस्ट मैंने इनको अंदर थोड़ा छोटा किया, ठीक है। अब मल्टीपल इमेज हम इंपोर्ट करके देखते हैं। जस्ट फिर आप सेम वहीं पर गया, प्लेस इमेज में गए, आपने 5 इमेजेस चूज करी, 1 2 3 4 5, कितनी भी आप मल्टीपल इमेज आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए जहाँ मेरा कर्सर है ये मूव हो रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 5 नंबर काउंट 5 आ रहा है कि हमने 5 इमेजेस अभी हमने सेलेक्ट की हुई हैं, ठीक है। जितनी भी आप इमेजेस सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट शो करेगा आपको, ठीक है। जस्ट आपको ड्रॉप करते चलना है कि कहाँ पर कौन सी इमेज आपको चाहिए, ठीक है। इस टाइप से आप मल्टीपल इमेज भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने एक और शेप यहाँ से ली, सपोज स्टार मैंने लिया, यहाँ पर 3 स्टार लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर वहीं पर शेप में जाने के बाद 3 इमेजेस हम सेलेक्ट करते हैं। वो पूछ रहा है आपको कहाँ पे ड्रॉप करनी है, आप जस्ट यहाँ पे जाके ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। ये 3 इमेजेस यहाँ पर आ गई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है, इमेजेस हमें इंपोर्ट करने का। हम इनको डिलीट करते हैं, एक मेथड आप सीख चुके हैं। सेकंड बिल्कुल सिंपल मेथड है, मैं जस्ट यहाँ पर किसी फोल्डर में गया, पिक्चर फोल्डर में, जस्ट आपको यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप करनी है जितनी भी इमेजेस आपको चाहिए, आप यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। ये ड्रैग ड्रॉप आपने कर दी है, यहाँ पे देखिए इमेजेस आ गई हैं। आप जस्ट शिफ्ट के साथ इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे छोटा बड़ा करने के बाद आप यहाँ पे इस टाइप से पिक्चर आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप छोटा कर लीजिए, तो जस्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप से भी यहाँ पे इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका सेकेंड मेथड, ठीक है। अब हम चलते हैं, इनको डिलीट करते हैं, हम लास्ट वाले मेथड में चलते हैं हम, ठीक है। तो जस्ट आपको यहाँ पर जाने के लिए आपको जस्ट आपको एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ किया सपोज, ठीक है, और इसमें जाने के बाद यहाँ फिल दिखाता है, देखिए फिल, आपको जस्ट फिल पे क्लिक करना है और यहाँ से सॉलिड की जगह आपको इमेजी चूज़ कर लेना है यहाँ से, ठीक है। इमेजी चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे ये वाले ऑप्शन यहाँ शो हो जाएंगे, जस्ट आपको इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कुछ पिक्चर आपको चूज़ करनी है, देखिए पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, ये पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से आप यहाँ पे इसको चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे शो करता है ये कि आपको फिल करना है इसको या फिट करना है, फिट में देखिए थोड़ा इस टाइप से थोड़ा सा कट हो गया, मतलब रेक्टेंगल की शेप में हो गया थोड़ा, ठीक है, फिट हो गया। अब आपको क्रॉप करनी है अगर, तो ये कह रहा है क्रॉप भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जितना पार्ट आपको चाहिए आप क्रॉप भी इसको कर सकते हैं, और एंटर आपको प्रेस करना है, ये एंटर से देखिए क्रॉप हो गई,
ठीक है, दोबारा बताता हूँ मैं। जैसे आपने एक रेक्टेंगल यहाँ सेलेक्ट किया, अब फिल में गए यहाँ पर और आपको एक इमेज यहाँ से सेलेक्ट करनी है। चूज़ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर इमेज चूज़ करने के, और जस्ट आपको कोई भी इमेज आप चूज़ कर सकते हैं, और जस्ट ये इमेज आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिखते हैं, देखिए सारे ऑप्शन आप ट्राई करके देख लीजिएगा। इमेज में कुछ आपको मॉडिफिकेशन करने हो, अगर सैचुरेशन वगैरह कम ज़्यादा, सैचुरेशन कम करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी, तो ये सारे टेम्परेचर वगैरह आप कम ज़्यादा, ये टिंट वगैरह आप करके देखिएगा। तो इस टाइप से आप इन चीज़ों को यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर इनको ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिल से तो पूरे में फिल हो के आएगा, फिट से थोड़ा ये देखिए रेक्टेंगल शेप में कुछ टाइप हो जाएगी इमेज, और क्रॉप से आप इमेज क्रॉप कर सकते हैं यहाँ से खींच के छोटा बड़ा करके, ठीक है। इन चीज़ों को देखकर क्रॉप कर सकते हैं जितना आपको पार्ट चाहिए होगा इसका, ठीक है। ठीक है, इस टाइप से आप क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप टाइल में जाएंगे, टाइल में तो आप छोटा करोगे तो देखो इमेज के कई सारे पार्ट यहाँ पे शो होने लग जाएंगे आपको, कि आपको कितने पार्ट चाहिए इमेज के। देखिए छोटा करेंगे तो देखिए कितनी इमेजेस आ रही हैं इसमें, 1, 2, 3, 4। तो इस टाइप से ये इसमें आपको शो करेगा ये टाइल में। अगर आपको फिल करना तो आप फिल रखिए, नहीं तो फिल में आप छोटा बड़ा कीजिए इसको। अदरवाइज आपको फिट चाहिए तो आप फिट कर लीजिए, और टाइल में तो आपको दिख ही गया इमेज आपको कितने साइज़ की चाहिए, मतलब मल्टीपल इमेजेस इस टाइप से शो हो जाएंगी। और क्रॉप में क्या, आपको क्रॉप में आप जितना एरिया आपको चाहिए, सपोज मेरे को ये जो हट शो हो रही है इतना ही एरिया मेरे को चाहिए, तो इस टाइप से यहाँ पर हम क्रॉप कर लेंगे इसको, ठीक है। ये देखिए आप क्रॉप कर लिया, आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेथड से इनके इमेज इंपोर्ट करने के, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको ट्राई करके देखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।